अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सारी सुनजाण दे नाल तारी अपनी होस्ट आसमान नरीन हाजिर है। नाज़रीन, अज असां अपने प्रोग्राम विच ताको एक नए गीता नाल जड़ा है ओ इंटरटेन करेसूं। नाज़रीन, सराइकी वसे भिक कायनात दना है, तारीखी हवाले नाल इंदी बहु अहमियत है पई। सराइकी लोक गीत जड़े हैं ओ सारे वसेब दी पहचान है। सराइकी जुबान इतनी मिठास वाली है कि इन्हें जड़े शेर हैं, शायरी थी गई, गीत थी गए, ओ दिलो दिमाग ते बड़ा असर करें। नाज़रीन, जड़ा असा साकू हुण सॉन्ग सुनवेसूं उन्दे बोल हिन पे, मेरे होठां ते तेरा ना होवे हर वेले प्यार दी छां होवे। नाज़रीन, जेले इंसान को प्यार थी वेंदे तो वलो ना धुप दे दे, ना छां रे दे, ना बारिश, ना ही आंधी, ना तूफान, ओ तो बस याद है कि जड़ा मेरा महबूब है ओ हर वेले मेरी अखियां दे सामने होवे और मैं ओ डेधा रहां। ते चलते हैं और ये सॉन्ग इंजॉय करें दे। सॉन्ग बड़ा इंजॉय किया था। नाज़रीन, क्योंकि अज असा अपने प्रोग्राम में प्यार की गालियाँ करेंदे पे हैं, तो प्यार जेले इंसान को थी वने तो कुहूँ वेले अपने प्यार का एहसास जड़ा है वो बड़ा अजीब जा लगता है। वो समझते कि सब कुछ मेरी जिंदगी है, जड़े मेरे दुख, तकलीफ, परेशानियाँ हैं,
ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਥੀ ਗਏ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਈ ਜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਸਾਂ ਤਾਕੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਸੁਣਵੇ ਸੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਥੀ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਇਕੱਲਾ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਜੁਦਾ ਥੀਵਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ
जी नाजरीन, यकीनन तुसां ए वाला सोंग भी बड़ा इंजॉय कीता होसी। नाजरीन, सराइकी जबान दे लोक गीतां दी मिठास दी मकबूलियत दा ए हाल है पिया कि जो मौसीकी दे फन तू अनवाकिफ कहीं मलंग ने कन ते हथ रख के सुर च मारे तो वह भी गुलकार बन गए, तो जनाब उंदा जड़ा ना है वह धरती तो चौह के आसमान ते पहुँच वेंदे। लेकिन मैं इहो गल आखसां कि हाल ही भी जड़े सारे मौसीकार हैं पे और जनाब सिंगर्स हैं उन्होंने मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है भाई, क्योंकि जो सराइकी जबान है वो बड़ी मिठी जबान है भाई, सारे वसीब की पहचान है भाई। नसी जिंदगी ऊंच नीचता थी रही है, अच्छे और बुरे हालात का सामना इंसान को करना पौंदे, ये जिंदगी का हिस्सा है पिया, एक असा फेस करने। तो नाजीन हूँ जरा तक असं सोंग सुनवेसूँ उनके बोल ये हैं पे कि नसीब हर वंजे तो खूबसूरत शाम भी खौफ दा मंजर पेश करें दी है। चलते हैं और इंजॉय करें। असां रुलने रोल आवारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर, असां रुलने रोल आवारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर, असां अजलू सेत दे हारे हैं, असां अजलू सेत दे हारे सारुलने रोल आवारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर। तेरा यार मिजाज शहान थल दे कंडे क्या जाने, तू थल दे कंडे क्या जाने, असां पांदी बेटा मारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर, असां पांदी बेटा मारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर। चंद्र हुसन दी नगरी दा चौगोट ते डेल शिकारे हिन, चौगोट ते डेल शिकारे हिन, असां बुढ़दी शाम दे तारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर, असां बुढ़दी शाम दे तारे हैं, तू साडा हाल ना पुछया कर। साडे सिर ते पंडे डूखां दी, साडे पेरी पंद अवेड़े हिन, साडे पेरी पंद अवेड़े हिन, असां अपने तन तू बारे। जी नाजरीन, यकीनन तुसां ए वाला सॉन्ग भी बड़ा इंजॉय कीता होसी, क्यों ना हुण असां अपने नाजरीन कोई खूबसूरत जेही काफी सुना लियो। नाजरीन, बेशक ख्वाजा गुलाम फरीद सईद की काफियाँ अपनी जगह एक अहमियत रखी ने, उन्होंने कोई सानी कोई नहीं, लेकिन बहु बेशुमार जड़े हैं सारे शायर उन्होंने भी काफियाँ लिखी हैं। जी हाँ, असं गल करें दे पे हैं दिलनूर नूरपुरी साहब दी, जो आदिन सावल जल्दी मिल ते देर हुन बर्दाश्त नहीं थींदी पई, तू ना मिलियो तो असं खावण पीवण छोड़ देसूँ ते जगते जीवन मुश्किल थी वेसी,
बस सावल जल्दी कर ते मिलन दी कोई राह लब ता जो दिल को सुकून ते करार मिल वने। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੌਂਗਸ ਗਿਣ ਕੇ ਆਊਂ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਥੀ ਗਏ, ਕਿਆ ਕਰੂੰ,
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੀ ਸੀ ਉਮਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।